हेलो ऑल। कोविड हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ और हेल्दी रहें। लेकिन इतना सेफ्टी मेजर्स लेने के बाद भी अगर आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी वायरसेस और बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी की हेल्थ बनाए रखें, अच्छे से डाइट फॉलो करें ताकि हमारा इम्यून सिस्टम और स्ट्रांग बना रहे। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जो कि आपकी हेल्थ के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाएगा। मॉर्निंग ड्रिंक्स। ड्रिंकिंग वाटर एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग कैन बी इमेंसली बेनिफिशियल फॉर द बॉडी। इससे हमारा स्टमक तो क्लियर रहता ही है, लेकिन इससे बहुत सारी डिजीजेस का रिस्क भी कम हो जाता है। मॉर्निंग ड्रिंक में आप टर्मरिक, हनी, लेमन, जिंजर, सिनेमन, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। आप इन सब का मिक्सचर बना के मॉर्निंग ड्रिंक की तरह ले सकते हैं, जैसे कि लेमन हनी वाटर, टर्मरिक वाटर, सिनेमन वाटर, जिंजर एंड हनी वाटर। ये सब बहुत बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि टर्मरिक और सिनेमन एंटीवायरल होते हैं नेचर में। लेमन जो होता है उसमें विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। अगर आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट करते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहता है। तो जो लोग डायबिटिक हैं या फिर जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, उनको सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर आप अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप दिन भर एनर्जेटिक फील करेंगे और प्रोडक्टिव रहेंगे। आप ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स, पोहा, उपमा, डोसा, ये सब खा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट जूस लाइक पोमोग्रेनेट जूस, बीटरूट जूस, इन सब में नाइट्रेट होता है जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ये भी आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। घी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सुबह एक टेबल स्पून घी खाने से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, एसिडिटी या गैस नहीं बनेगा। कोविड सिम्टम्स में एक सिम्टम स्टमक अपसेट का भी है। ये इन्फेक्शन हमारे स्टमक को वीक कर देता है, तो अगर आप अपने डाइट में घी इंक्लूड करते हैं तो वो इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगा। नौजिया, वॉमिटिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी अगर आप घी का सेवन करते हैं तो। आप ग्रीन टी या हर्बल टी मॉर्निंग में ले सकते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। हर्बल टी में मिंट टी, लेमन ग्रास टी, जिंजर हनी टी, ये सब ले सकते हैं। लंच में आप दाल, चावल, चपाती, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच ले सकते हैं। स्पिनच में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये वायरसेस को हमारी बॉडी में स्प्रेड करने से रोकता है। इसके साथ ही ऑक्सीजन का अब्सॉर्प्शन हमारे ब्लड में बढ़ाता है। डेट्स, सीड्स, नट्स, रोस्टेड चना, ये सब डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं आप। इसको आप स्नैक्स टाइम में ले सकते हैं थोड़े क्वांटिटी में। डिनर सबसे लाइट होना चाहिए, तो आप दलिया, दाल, खिचड़ी, कढ़ी, ये सब खा सकते हैं। और हमेशा डिनर सोने से 2 घंटे पहले तक आप फिनिश कर लें। सोने से पहले टर्मरिक मिल्क ज़रूर लें। टर्मरिक में करक्यूमिन होता है जो कि आपके मूड को रिलैक्स करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है नेचर में, और ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। डाइट के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें, खुश रहें, ताकि आपकी रिकवरी और भी जल्दी हो। थैंक यू।